बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11 क्लास मैथ्स के चैप्टर 6 की से जो परमुटेशन कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी है इससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो 79 नंबर है, 79-8 हमने पहले लेक्चर्स में सॉल्व की है। एफ एन सी सिक्स इज इक्वल टू एन सी ट्वेल्व, तो एन मालूम कर लें, ठीक है। एन सी सिक्स इज इक्वल टू एन सी ट्वेल्व, ये हम लिख सकते हैं एन पिक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस सिक्स पिक्टोरियल एन टू सिक्स पिक्टोरियल इज इक्वल टू एन पिक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस ट्वेल्व पिक्टोरियल एन टू ट्वेल्व पिक्टोरियल, ठीक है। तो डिवाइड बोथ साइड बाई एन पिक्टोरियल, तो एन पिक्टोरियल के साथ एन पिक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। वन ओवर एन माइनस सिक्स पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ एन माइनस सिक्स एन टू एन माइनस सेवन एन टू एन माइनस एट एन टू एन माइनस नाइन एन टू एन माइनस टेन एन टू एन माइनस इलेवन एन टू एन माइनस ट्वेल्व। और ये सिक्स पिक्टोरियल अपनी जगह पे आ जाए इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई एन माइनस ट्वेल्व पिक्टोरियल। और ट्वेल्व पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ ट्वेल्व एन टू सेवन ट्वेल्व एन टू इलेवन एन टू टेन एन टू नाइन एन टू एट एन टू सेवन एन टू सिक्स पिक्टोरियल, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोर्ड साइड बाई एन माइनस ट्वेल्व पिक्टोरियल टू एन माइनस ट्वेल्व पिक्टोरियल एन माइनस ट्वेल्व पिक्टोरियल और सिक्स पिक्टोरियल सिक्स पिक्टोरियल सिक्स के साथ खत्म हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे साथ ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एन माइनस सिक्स एन टू एन माइनस सेवन एन टू एन माइनस एट एन टू एन माइनस नाइन एन टू एन माइनस टेन एन टू एन माइनस इलेवन इज इक्वल टू एन टू एन माइनस इलेवन ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई एलेवन मल्टीप्लाई बाई टेन मल्टीप्लाई बाई नाइन एट एन टू सेवन, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव ये भी सिक्स है, वन टू थ्री फोर ये भी सिक्स, और इनमें भी एक का डिफरेंस है, इन सब में भी एक का डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि एन माइनस सिक्स ट्वेल्व के बराबर है, एन माइनस सेवन इलेवन के बराबर है, इस तरह एन माइनस एट टेन के बराबर है। तो एन माइनस सिक्स इक्वल टू ट्वेल्व, इससे एन आता है एटीन, इस तरह इससे भी एन एटीन आता है, तीसरे टर्म से भी एटीन आएगा, चौथे से भी, पाँचवीं से भी और आखिरी टर्म से भी एटीन आएगा, ठीक है। तो हमारे साथ इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है एटीन, ठीक है। नंबर एट ही है द टर्ड टर्म ऑफ एक्सप्रेशन एन स्क्वेयर माइनस एन बाई टू, एन स्क्वेयर माइनस एन डिवाइड बाई टू। टू टर्ड टर्म मालूम करते तो एन की जगह थ्री पुट कर ले, तो थ्री स्क्वेयर माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, थ्री स्क्वेयर से आता है नाइन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू सिक्स बाई टू, और सिक्स बाई टू से आता है थ्री। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, के पिक्टोरियल डिवाइड बाई के प्लस वन पिक्टोरियल, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ के पिक्टोरियल डिवाइड बाई के प्लस वन पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ के प्लस वन एन टू के पिक्टोरियल, ठीक है। तो के पिक्टोरियल के साथ खत्म, वन ओवर के प्लस वन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एन फ्रैक्शनल टर्म एन एन टू एन माइनस वन एन टू एन माइनस टू इज एन एन टू एन माइनस वन एन एन टू एन माइनस वन एन टू एन माइनस टू। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पिक्टोरियल इससे बनाए, तो इसके साथ मैं एन पिक्टोरियल बनाने के लिए एन माइनस थ्री पिक्टोरियल से मल्टीप्लाई करता हूँ और जो टू डिवाइड भी इससे करूँगा। अब ये एन एन टू एन माइनस वन एन टू एन माइनस टू एन टू एन माइनस थ्री पिक्टोरियल एन पिक्टोरियल के बराबर है और एन माइनस थ्री पिक्टोरियल अपनी जगह, तो फ्रैक्शन फॉर्म में हमने लिख लिया और इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 83 है द करेक्ट ऑप्शन फॉर फाइव पिक्टोरियल सी टेन फाइव, तो फाइव पिक्टोरियल सी टेन फाइव सी टेन सी फाइव, तो टेन पिक्टोरियल डिवाइड बाई टेन माइनस फाइव पिक्टोरियल एन टू फाइव पिक्टोरियल, ठीक है। फाइव पिक्टोरियल के साथ खत्म, और टेन पिक्टोरियल डिवाइड बाई टेन माइनस फाइव पिक्टोरियल ये टेन पी फाइव के बराबर है, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ ये टू सही है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए है फर्स्ट ओनली फर्स्ट गलत है, सेकंड ओनली तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, टेन पी फाइव इसका आंसर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ईटा इज एट बाई नाइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग ईटा। तीसरा क्वेश्चन हमने पहले भी की दो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी वन के बराबर है, तो फेलिंग होगा वन माइनस एट बाई नाइन, तो नाइन इसका एलसीएम आ जाएगा, नाइन वन ज़ार नाइन माइनस एट विच इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई नाइन। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, वन बाई नाइन, ठीक है। तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर से हमने 84 एमसीक्यूज जो कि इंपॉर्टेंट है हमने सॉल्व की, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है।
और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 की जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन है, बाइनोमियल थ्योरम और मैथमेटिकल इंडक्शन है, हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैथ्स वाले स्टूडेंट के साथ शेयर करें। थैंक यू।